पूजनीय संत समाज सज्जनों और देवी, शरीर धारण करके हम लोग भटक रहे हैं कुछ पाने के लिए, सुख पाने के लिए। भोगों में भटकते हैं और जब भोगों से थक जाते हैं और सुख नहीं मिलता है तो भगवान और मोक्ष को पाने के लिए भटकते हैं। कहीं परमात्मा होगा, मोक्ष धाम होगा, वो मिल जाए तो सुखी हो जाए। मोटी माया और झीनी माया, ये दो माया में हम भटकते हैं। मोटी माया है दुनिया के भोग, झीनी माया है मोक्ष और भगवान को बाहर खोजने की बात। सुख कुल मिलाकर के हम सुख खोजते हैं। अगर ये पता चल जाए परमात्मा दुख देने वाला है तो परमात्मा का लोग नाम नहीं लेंगे। विषयों में सुख खोजते हैं, बाहर सोचते हैं कहीं परमात्मा होगा वो मिलेगा तो सुख होगा। ज्यादातर तो लोग विषयों में डूबे हैं, विषय नाम पदार्थ, दुनिया की चीजों में डूबे हैं। ये दुनिया की चमक दमक हमें सुख देगी, ये भ्रम, इसी में सब जीते हैं और दुख पाते हैं। दुख पाते हुए भी और उनको सूझ नहीं होती है। ये जगत प्रत्यक्ष है, पांचों ज्ञान इंद्रियों से प्रतीतमान जगत प्रत्यक्ष है और जो केवल मन की अवधारणा है वो परोक्ष है। और प्रत्यक्ष परोक्ष जो दोनों से परे है वो अपरोक्ष है। सारा संसार प्रत्यक्ष में भटक रहा है। जो आंख से देखता है, कान से सुनता है, नाक से सूंघता है, जीभ से चखता है, चाम से छूता है, ये पांच विषय, इसी में वो सुख खोजता है और इसमें दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। बचपन से आज तक आपको क्या मिला दुनिया में, दुख के अलावा क्या मिला? पत्नी मिली, देवियों को पति मिला, बच्चे मिले, धन मिला, लेकिन ये सबसे क्या मिला? दुख मिला। चित्त में शांति नहीं है, अभाव का अंत नहीं है, असंतोष मिटा नहीं है, तृप्ति मिली नहीं है, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, उसमें कहाँ सुख मिला? वहाँ भी दुख ही रहा। सारा संसार प्रत्यक्ष में डूबा है और फिर भी उसी में पड़ा है, उससे आगे वो बढ़ नहीं पा रहा है। बस काम भोग, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या द्वेष, सारे सुखों की कमाई यही है, चाहे छोटे पद पर हो चाहे बड़े पद पर हो। अब अगर साधना न करें तो महात्मा भी हो, मोटा दोष छोड़ दिए हैं तो सूक्ष्म संस्कार राग द्वेष का चित्त में बना है। पूरे जीवन की कमाई ये प्रत्यक्ष का फल, जो सांसारिक पदार्थ है प्रत्यक्ष, इनमें जुड़ने का फल राग द्वेष में मिला है, असंतोष मिला है, पीड़ा मिली है। एकाएक पत्नी से सुख लगता है और पति से देवियों को सुख लगता है, थोड़े दिन में दोनों को दोनों से दुख लगता है। बच्चों के प्रति आकर्षण होता है, बच्चे हो जाएं, बच्चे हो जाते हैं सुख लगता है, थोड़े दिन में उनसे दुख लगता है। ऊंचा पद मिल जाए बड़ा आकर्षण होता है, जब ऊंचे पद पर पहुंच गए तो सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है। दुनिया का कोई भी भोग है स्थिर सुख नहीं दे सकता, दुख देता है। फिर भी उसी में पड़े हैं और कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। कोई बिरले जीव हैं जो ये प्रत्यक्ष से घबराते हैं और कहते हैं दुनिया में कुछ नहीं रखा है,
उनके मन में इसके लिए वितृष्णा होती है, वैराग्य होता है। घर भी कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग घर नहीं छोड़ते हैं, घर में रहते हैं, तो भी उनके मन में वैराग्य रहता है। तो वे परोक्ष में खोजते हैं, मन की अवधारणा में, पोथियों में पढ़े हैं, परंपरा में सुने हैं, अपने मन की भी एक अवधारणा बना ली जाती है, परमात्मा ऐसा है, चार हाथ वाला, आठ हाथ वाला, श्याम सुंदर अथवा गोरा, या वो देहधारी नहीं है, निराकार है, सर्वत्र व्याप्त है, किसी लोक में है या सर्वत्र है, ये सब हमारे मन की अवधारणा होती है। ये परमात्मा जो है ये परोक्ष है, ये प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है, ये मन की अवधारणा है। और इसमें लगने से थोड़ा संतोष मिलता है, दुनिया के भोग से संतोष नहीं मिला, लेकिन जब हम परमात्मा की कल्पना करते हैं तो एक आनंद आता है, क्योंकि दुनियादारी से चित्त हटता है। वो परमात्मा देहधारी है या निराकार है, किसी लोक में है या सर्वत्र व्याप्त है, जैसी अवधारणा हो, लेकिन थोड़ा संतोष मिलता है, लेकिन पूरा संतोष नहीं मिलता है। बूढ़ा गए अभी तक परमात्मा नहीं मिला। अच्छे अच्छे तपस्वी साधक चैतन्य देव, जो आप इस्कान वाले आप देखते हैं, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, देश विदेश में प्रचार करते हरे राम हरे कृष्णा, उनके मुख्य आचार्य चैतन्य देव थे, नदिया जिला के बंगाल के। परमात्मा की खोज में उनके गुरुजी के गुरुभाई वैराग्यवान थे, चैतन्य देव के गुरु के गुरुभाई वृंदावन में रहते थे, वैराग्यवान थे, दुनिया से पूरी वितृष्णा थी, अखंड वैराग्य था। मरते समय वो छटपटाने लगे, हे परमात्मा, आपके दर्शन के लिए मैंने घर छोड़ा, देश छोड़ा, देश का मतलब प्रदेश, वृंदावन में पूरा जीवन बिता दिया, आज भी आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं। रोने लगे, छटपटाने लगे। उनका एक विवेकी शिष्य था, उसने कहा, गुरुदेव, ये शरीर वृंदावन है और इसमें जो आत्मा है वही परमात्मा है, आप कहाँ बाहर परमात्मा खोजने जा रहे हैं? उन्होंने कहा कोई है नहीं, इसको बाहर निकाले, क्योंकि उनके मन में था कि परमात्मा बाहर है और दर्शन देता है, और वो एक कृष्ण के रूप में चाहते थे कि दर्शन हो। छटपटा के मर गए, कोई दर्शन नहीं दिया। अच्छे अच्छे ईमानदार साधक और त्यागी वे परमात्मा के दर्शन के लिए छटपटाते हैं। परमात्मा आत्मा से अलग ये परोक्ष मान्यता है। छह शास्त्रों में मैंने कहीं नहीं पाया कि बाहर से परमात्मा मिलता है, उपनिषदों में भी कहीं नहीं है कि बाहर से परमात्मा मिलता है। वेदों में प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मान करके प्रार्थनाएं हैं, लेकिन जहां आत्मज्ञान की बात है वहां बाहर नहीं बताया गया। परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परिदिशा परिश्वर ऋतस्य तत्त्वम विततम विचिरते तत्पश्चात तद्भवत तदासीत, ये वेद का मंत्र है। द्यावा पृथ्वी, स्व यानी स्वर्ग, दिशाएं, इन सब में ऋषि परिविशेषण लगाते हैं। परि कहते हैं समग्रता को, परिपूर्ण, परिव्याप्त, परिसमग्रता का सूचक है। परिद्यावा, द्यावा स्वर्गलोक, दुतमान सूरज का मंडल, परिद्यावा पृथ्वी और पृथ्वी, परिलोकान सारे लोग, परिदिशा सारी दिशाएं, परिस्व सारे स्वर्ग, ऋतस्य तंतुम विततम
रित के तंतु फैले हैं। रित कहते हैं नियम को, जिसको चीन के संत लाओत्से ताओ कहते हैं, उनकी पुस्तक उस पर भाष्य से आ गया है बुक स्टाल में। संत लाओत्से क्या कहते हैं, ताओ ते चिंग उनकी पुस्तक है चीनी भाषा में, हिंदी अनुवाद और भाष आपके सामने है। बहुत विवेकवान संत था। उसका भाष्य करते हुए तो बार-बार मुझे कबीर साहब की याद आती थी। उन्होंने ताओ कहा है और वेद में रित कहा है। वैज्ञानिक लोग इटर्नल लॉ कहते हैं, इटर्नल यूनिवर्सल लॉ, नित्य विश्वव्यापी नियम। विश्वव्यापी नियम वेद की भाषा में रित है। ऋतस्य तंतुम विततम, नियम के तत्व सर्वत्र परिपूर्ण है। फूल खिलते हैं, पानी बरसता है, नहीं बरसता है, सूखा पड़ता है, दाहा पड़ता है, पत्थर बनते हैं, हीरे बनते हैं, फल फूल पैदा होते हैं, रेगिस्तान बनता है, बर्फीली जगहें बनती हैं, ये सब किससे होता है, ऋत से, नियम से। ऋतस्य तंतुम विततम, विततम नाम फैलना, सर्वत्र फैला है। लेकिन विचिरते ये इसको चीर देता है, प्रकृति को भी भेद देता है। तत्पश्चात तद्भवत तदासीत, जो इस प्रकृति को भी भेद देता है तत्पश्चात उसको देख लेता है, तद्भवत वही हो जाता है, तदाशीत वह वही है ही। कथन की तीन उड़ान है। तत्पश्चात तत् कहते उसको, पश्चित नाम देखना, उसको देख लेता है। लेकिन उसको देख लेता है तो अलग है, तो मेरा स्वरूप नहीं हुआ। तो ऋषि कहता है तद्भवत वही हो जाता है, तो होना भी नकली है, कोई थानेदार हो गया तो रिटायर्ड हो जाएगा। तब ऋषि कहता है तदासीत वही तो है ही। तो तीन उड़ान क्यों करता है कथन में, क्योंकि लोग सह नहीं पाते हैं। तुम ही परमात्मा हो, ये आदमी सह नहीं पाता है, परमात्मा अलग है। फिर तुम परमात्मा हो गए, तू ही हो परमात्मा, ये वेद की ऋषि कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमस अयम आत्मा ब्रह्म, ये उपनिषद के ऋषियों ने कहा। सद्गुरु कबीर की बात तो आप जानते हैं, आपकी भाषा में वो कहते हैं, घूघट के पट खोल रे तो को प्यू मिलेंगे, घट घट में वही साई बसत है कटुक वचन मत बोल रहे। घट घट में वही बैठा है, वही बोलने वाला है, हृदय वसे ते राम न जाना। कबीर साहब को छोड़ दीजिए, वेद उपनिषदें छह शास्त्र ये बाहर परमात्मा नहीं बताते हैं, ये अपने आप के तरफ ही बताते हैं। ये तो कोई 2500 वर्षों से महाकाव्य दो रचे गए, महाभारत और वाल्मीकि रामायण, उसके पश्चात अनेक रामायणें बनी और 18 पुराण, 18 उप पुराण, फिर उससे संबंधित तमाम किताबें बनी। इनमें बाहर ईश्वर खोजने का चक्कर बहुत पड़ गया। कुल मिलाकर के हम कहें तो वेद में तो कर्मकांड है, ज्ञान की बात थोड़ी है, लेकिन उपनिषदें आत्मज्ञान परक हैं। और भारतीय परंपरा के प्राचीन साहित्य जो अध्यात्म के हैं वो उपनिषदें हैं। उपनिषदों में कर्म सिद्धांत है, आत्मज्ञान है, वासना का त्याग और उससे मोक्ष की प्राप्ति है, जो एकदम कबीर का पारक सिद्धांत है। इसीलिए मैं कहता हूँ कबीर का पारक सिद्धांत अनादि है, सब समय रहा है और हर ग्रंथ में उसके सूत्र हैं, उसको छानना चाहिए। श्री काशी साहब पारक सिद्धांत के महान संत हुए, उन्होंने कहा युग युग से पारखी संत होते आए हैं, उनका नाम पारखी न हो कोई बात नहीं। अन्वीक्षकी विद्या, अन्वीक्षकी विद्या क्या है, सांख्य योग और लोकायत। सांख्य आत्मा अनात्मा का विवेक बताता है,
योग प्रकृति से हट करके अपने में स्थित बताता है, लोकायत लोक की व्यवस्था बताता है, कोई देवी देवता नहीं। देवी देवता का बाहुल्य, अवतारों की कल्पनाएं, बाहर से ईश्वर खोजने की चेष्टा, ये महाकाव्यों और पुराणों की देन है। वेदों के जो उपनिषद अंग हैं ज्ञान का विषय, वो खोजने नहीं कहते, अपनी तरफ लौटने कहते हैं। प्रतिबोध वित्तम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, प्रतिबोध ही ज्ञान है जिससे अमरता मिलती है। हम दीवार को देखते हैं, ये बोध है, और दीवार को देखने वाला मैं हूँ, दीवार को छोड़ दिया, अपने तरफ ध्यान दिया, ये प्रतिबोध है। जैसे प्रतिबिंब, प्रतिक्रिया, प्रतिबल, ऐसे प्रतिबोध। बाहर को जाना ये बोध है, अपने को जाना प्रतिबोध है। ऋषि क्या कहते हैं, प्रतिबोध वित्तम मतम, प्रतिबोध ही अमृतत्व देता है, ये विदित है, ये प्रत्यक्ष है। प्रतिबोध अपनी तरफ लौट आने में अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अपने में लौट आओ, मन शांत हो जाए। मन से आप परोक्ष ईश्वर खोजते हैं और परोक्ष मोक्ष खोजते हैं। दुनिया में सुख नहीं मिला तो बाहर कहीं परमात्मा और मोक्ष धाम होगा, वो मिल जाए तो सुख हो जाएगा। ये कल्पना आपके मन की है, ये परोक्ष है, मन का स्वप्न है। ये स्वप्न अच्छा है साधना के लिए, पहले ठीक है, बोध नहीं है तो, लेकिन अपरोक्ष की तरफ लौटो, जहाँ इंद्रियों की क्रियाएं शांत हो जाती है और मन भी शांत हो जाता है। इंद्रियों से प्रतीतमान प्रत्यक्ष है और मन से अवधारित परोक्ष है। जहाँ इंद्रिय और मन दोनों शांत हो गए, वो अपरोक्ष है। इस पर ध्यान दीजिए। आप आँख नाक कान जीभ चाम से जो जानते हैं वो प्रत्यक्ष है, वो दुनियादारी चीज़ें हैं। और मन से जितनी कल्पना करते हैं, परमात्मा, लोक, लोकांतर, स्वर्ग, मोक्ष, धाम, ये सब मन की अवधारणा है। और जहाँ इंद्रियां शांत हो गई और मन भी शांत हो गया, तो अपरोक्ष है। अपरोक्ष नाम स्वयं प्रत्यक्ष, अपने आप। और समस्त संप्रदायों की साधना का सार क्या है, इंद्रियों का शांत हो जाना और मन का शांत हो जाना। जब इंद्रिय मन शांत हो गए तो कौन परमात्मा आप पाएंगे, आँख से देखेंगे तो रूप पाएंगे, कान से सुनेंगे शब्द पाएंगे, जीभ से चखेंगे रस पाएंगे, चाम से छुएंगे स्पर्श पाएंगे, नाक से सूंघेंगे गंध पाएंगे, मन से सोचेंगे संकल्प विकल्प पाएंगे। इससे कौन परमात्मा मिलेगा, ये तो विषय मिलेगा। जब इंद्रियां शांत हो गईं और मन शांत हो गया, तब आप परमात्मा पा गए, क्योंकि आप खुद परमात्मा हैं। आप स्वयं मुक्त स्वरूप हैं, आप स्वयं कृतार्थ रूप हैं, देवों के देव हैं। अब आप बाहर खोजते हैं, परोक्ष में ढूंढते हैं, मन इंद्रियों के व्यापार में खोज रहे हैं, यही भ्रम है। इस भ्रम को जीतें। सदगुरु कबीर का ज्ञान अपरोक्ष बोध है, उपनिषदों का जो अपरोक्ष ब्रह्म का कथन है वो वही है, परोक्ष वाला काल्पनिक है, उसको निरछीर का विवेक करना पड़ेगा। स्वामी शंकराचार्य ने उपनिषदों का भाष्य करते हुए कहा है, जिसको मैंने उपनिषद सौरभ की भूमिका में उद्धृत किया है, उनके संस्कृत भाष्य को उद्धृत किया और हिंदी अनुवाद कर दिया है। उन्होंने लिखा है, श्रुतियों में उपनिषदों में सैकड़ों वचन परस्पर विरुद्ध है और उनके व्याख्याता सदाचारी और बहुज्ञ होते हुए भी उनकी मत की भिन्नता है। इसलिए सामान्य व्यक्ति इसकी संगत बैठाए बहुत कठिन है। मैं अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार सार तत्व निकालने की चेष्टा करूँगा। बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा, अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार। शास्त्रों में पारख के वचन जगह जगह हैं,
क्योंकि जीव का स्वरूप ही पारख है। पारख परख शब्द से है, परख शुद्ध शब्द है, पारख उसका अपभ्रंश है। परख ज्ञान, निर्छीर विवेक, आत्मानात्मा का विवेक, स्व और पर का विवेक, अपने को पहचानो। अब अपने से अलावा जहाँ तक है उसमें मन बना करके दुखी हो, उससे मन समेटो, अपने में आ जाओ, अपरोक्ष में आ जाओ। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाहु परमाम गतिम, ये श्रुति वचन है। यदा जब पंचावतिष्ठन्ते, पंच अवतिष्ठित आँख नाक कान जीभ चान, ये पांच जो शरीर में अवतिष्ठित हैं, स्थित हैं, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि, यानी ज्ञान की इंद्रियाँ, मनसा सह मन के सहित, बुद्धिश्चा और बुद्धि भी, न विचेष्टत नहीं चंचल होते हैं, ताम आहु परमाम गतिम, ताम उसे आहु आहु कहते हैं, परमाम गतिम परम गति। ध्यान दीजिए, मैंने पदच्छेद करके और शब्द शब्द का अर्थ बताया, अब भावार्थ क्या है। जब पांचों ज्ञान इंद्रियां मन और बुद्धि शांत हो जाते हैं, यही परम गति है। यहाँ कुछ पाने की बात नहीं कही गई, पाना महाधोखा है। पाने के चक्कर में हम रो रहे हैं, पत्नी पावें, पद पावें, पुत्र पावें, धन पावें, पद पावें, सम्मान पावें, सत्कार पावें, इसी में तो रो रहे हैं। क्या पाएं आप? जवान लोग तो सोचेंगे कि पाएंगे जरूर, अभी तो जवान है। बूढ़ों से पूछ ले क्या पाए, चांटे के सिवा कुछ नहीं पाए। दुनिया में रोना रोना रहा और कुछ नहीं रहा। ये नहीं गरीब लोग, धनी लोग भी, ये नहीं चपरासी, कमिश्नर, कलेक्टर और राष्ट्रपति, कई प्रधानमंत्री दिल्ली में अपने कमरे में बैठे रो रहे हैं, मनहूस बेचारे। प्रधानमंत्री तो सबसे बड़ा होता है राष्ट्र में सत्ता की दृष्टि से। पाने का भ्रम सबको रुला रहा है, खोने की आदत बनाओ, खो, योग क्या है, वियोग कर देना, वियोग योग है। राजा भोज ने योग दर्शन पर भाष्य लिखा तो उसकी महिमा में एक श्लोक लिखा, पतंजलि मने रुक्ति काव्य पूर्वा जेत सब पुंस प्रकृत वियोगो अपि योग इत दो यया। पतंजलि महाराज के योग दर्शन की जय हो, उन्होंने प्रकृत पुरुष के वियोग को भी योग कहा है। प्रकृत पुरुष का वियोग योग है, पुरुष प्रकृत से हट जाए, ये आत्मा अनात्मा से विरत हो जाए, अनासक्त हो जाए, ये योग है। श्री कृष्ण महाराज ने गीता में कहा, दुख संयोग वियोगम योग संगितम, दुख संयोग वियोगम योग संगितम, दुख के संयोग का वियोग हो जाना योग संगितम योग कहलाता है। योग जोड़ना को कहते हैं साधारण रूप में, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में योग जोड़ना नहीं है, तोड़ना। संत लाओत्से ने अपनी पुस्तक में कहा है, वहाँ बिना कदमों के चला जाता है, जो करता है उसका पूरा नहीं पड़ता है, जो नहीं करता है उसका पूरा पड़ता है। तो विदेशी यूरोप के बड़े बड़े विद्वान ने इंग्लिश में अनुवाद किया है, तो शंका किया है कि यहाँ पाठ का दोष आ गया है। लिखा है करने वाला अभावग्रस्त रहता है, करने वाला पाता नहीं है, और नहीं करने वाला पाता है, तो ये पाठ दोष है। करने वाला का पूर्व पड़ेगा, नहीं करने वाले क्या पूर्व पड़ेगा? करने वाले का पूर्ण नहीं पड़ता है और न करने वाले का पूरा हो जाता है, ऐसा लिखा है, ये पाठ है। मेरे सामने बात आई, मैंने कहा बिल्कुल सच है। वो विद्वान थे, यूरोप के इंग्लिश के विद्वान थे, उन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया।
जब मैंने उसका अनुवाद करने के लिए देवेंद्र से कहा, देवेंद्र ब्रह्मचारी जो यहाँ हैं, इंग्लिश अच्छी तरह से जानते हैं, कलकत्ता में उनसे कहा कि इसका तुम्हें अनुवाद करना है, पढ़ने लगे तो निराश हुए, कैसा इसमें पहली जैसी बात है जगह जगह, क्या आप भाष्य करेंगे। मैंने कहा वेद और बीजक से गुड़ नहीं, तुम घबराओ मत, धीरे धीरे मंथन करके उसका उन्होंने अनुवाद किया हिंदी में और हिंदी से मैंने भाष्य किया। करने वाले का पूरा नहीं पड़ता है, करा क्यों जाता है, कुछ जानने और पाने के लिए, या तो ज्ञान जानने के लिए या पदार्थ पाने के लिए करा जाता है, और ज्ञान अधूरा रहता है और प्राप्ति अधूरी रहती है। सबका ज्ञान अधूरा है, कितना हम जानते, बहुत थोड़ा जानते हैं, पढ़ते पढ़ते बूढ़ा जाएंगे, जान पाएंगे पूरी दुनिया, और पाते पाते बूढ़ा जाएंगे, बहुत पाना बाकी रह जाएगा। करने वाला करने वाले का पूर्ण नहीं पड़ता है, ये संत लाओजी की बात बिल्कुल आध्यात्मिक है। करके जो पाना चाहते हो वो भौतिक चीज है, उसमें भी संतोष रखो, काम करो, खाना पीना है, गुजर बसर करना है, बाल बच्चों को पाल पोषण करना है, और अदलू बदलू की दुनिया है, दूसरों से मेरी रक्षा होती है, मुझे भी दूसरे की सेवा करना है, करना ठीक है, लेकिन करने से आप तृप्ति माने तो धोखा है। करने से तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि पाने से तृप्ति नहीं होती है। न वित्ते अंतरप्रियो मनुष्यो, मनुष्य धन से तृप्त नहीं होता है, सदैव अतृप्त रहता है। जो कुछ हम पाते हैं अधूरा लगता है, चाहे जितना पाएं अधूरा लगता है। इसलिए पाने करने वाले का पूरा नहीं पड़ता है, नहीं करने वाले पूरा पड़ता है। नहीं करने का अर्थ है इच्छा शून्य हो जाना, जिसकी इच्छाएं शून्य हो गई उसका पूरा हो गया। अब प्रश्न यह है कि इच्छा जिसकी शून्य है वो भी खाता है, पहनता है, घर में रहता है, उसके लिए काम करे, लेकिन भोगों की इच्छा शून्य कर दे, ये दुनिया की कच्चा चिच्छा जान जाए कि यहाँ पानी की कोई चीज़ नहीं, सब धोखा है। एक बार ठगावे बावन वीर कहावे, बार बार ठगावे गप्पू नाथ कहावे। बूढ़े लोग भी अभी पाना चाहते हैं, अभी तक पता नहीं पाए कि पाना वाना कुछ नहीं होता, धोखा है सब, क्या पाए, सारा पाना खो जाना है। अपने को पाओ, अपने को तो नित्य प्राप्त ही हो समझो, अपने में स्थिर हो जाओ। भौतिक पदार्थ पाना चाहते हैं और जब वो उससे सुख नहीं मिलता है तो परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो बाहर परमात्मा का नक्शा खींचते हैं, जो मन की अवधारणा है, बाहर मोक्ष का धाम कल्पते हैं कि कहीं मोक्ष धाम है, कहीं स्वर्ग है। न कहीं बाहर स्वर्ग है, न कहीं मोक्ष का धाम है, न बाहर कहीं परमात्मा मिलता है। मिलने की भी तो सोचो, मिली हुई वस्तु छूटती है। ये थोड़ा सा गणित का ज्ञान रखो और प्रकृति के नियमों का ज्ञान रखो, मिलने वाली वस्तु छूटती है, परमात्मा मिलेगा तो छूटेगा, मोक्ष मिलेगा तो छूटेगा। कहने का तरीका है परमात्मा मिलता है और मोक्ष मिलता है, कहने में सदैव द्वैत लगता है, लेकिन तत्व अद्वैत है। वो जो आपका अपना आपा है, आपन पो आपु ही बिसर्यो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमित भूस मर्यो, ज्यों के हरि नृप कूप जल प्रतिमा देख पर्यो, वैसे ही गज फटिक शिला सो दसनन आनी अर्यो, मरकट मूठ स्वाद नहीं बिहुरे घर घर रटत फिरो, कहें कबीर नलनी के सुवना तो ही कौने पकड़ो, आपन पो आपु ही बिसर्यो, अपने स्वरूप को तुम खुद भूल गए, बाहर खोज रहे हो। दुनिया की वस्तुएं उपयोग की हैं, मेहनत करो, कोई आलसी न रहो, किसान व्यवसायी कर्मचारी साधु गृहस्थ स्त्री पुरुष जो जहाँ रहे मेहनती रहे। देखो यहाँ का जो कुछ आप देख रहे हैं, जितना बनाव देख रहे हैं, ये महात्माओं ने किया है, कितने मेहनती है महात्मा लोग, सब जगह सबको मेहनती होना चाहिए, काम करो।
काम करने से शरीर की व्यवस्था होगी, समाज परिवार की व्यवस्था होगी, इसका अपना पक्ष है। लेकिन तृप्ति पाने के लिए, परमानंद पाने के लिए, परम सुख पाने के लिए करना नहीं है, अक्रिय अवस्था में जाना है। पाना नहीं है, खोना है। सबको खो दो, देह अपनी नहीं है, देह को पहले खो दो। साहब ने कहा है, तब जानिया जब जीवत मुआ, सत्य को तब जाना जब जीते जीते मर गया। जीते जीते मरने का अर्थ क्या है? देह को सदैव लाश के रूप में देखना। अपनी मानी हुई देह लाश है, पड़ी हुई है, सड़ रही है। आजकल में होना है, झट से होना है, देरी नहीं लगेगी। अहन्य अन्य भूतानि गच्छन्ति ही यमालयम शेषाः स्थावर मिच्छन्त किमाश्चर्यमतः परम। युधिष्ठिर ने कहा, रोज रोज प्राणी यमलोक को जाते हैं, लेकिन जो बचे हैं वो यही चाहते हैं कि हम यहीं रहें, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। सब मृत्यु की तरह सरक रहे, मृत्यु की तरफ सब सरक रहे। अपने शरीर को लाश के रूप में देखो, शरीर ही नहीं रहेगा, क्या पाओगे? हाँ, खाना पानी मिल जाएगा, मेहनत करते रहो मिल जाएगा। गुजर बसर में चिंता बिल्कुल न करो। हमारे एक गृहस्थ बड़े गुरु भाई जमुना सेठ, बस्ती जिला बयारा के, जब मैं घर में था, उपारक सिद्धांत पहले जान गए थे, मैं पीछे जाना, तो अपने यहाँ से वो चलें मेरे पास आवें, तो दोनों बढ़ारा आश्रम में चलें और खूब बतवाएं, खूब बतवाने वाले थे वो। कहें भैया, कहो तो पूरक चलूं और जीवन भर चलता रहूं, खाना पानी मिलता रहेगा। कहो उत्तर चलूं, कहो दक्षिण चलूं, जिधर निकल जाओ वहीं खाना पानी मिलता रहेगा, भोजन की कमी नहीं। संतोष की बात कहें, यदि वो सेठ रहें, पैसा पैसा जोड़ते थे, ब्याज देते थे, अगर चार आना भी बचा हो तो फिर लेने के उसके घर पहुंच जाते थे लेकिन बात बढ़िया करते थे, मुझे तो लगा। अब आज भी याद कर रहा हूँ, जब मैं साधु मार्ग में आया, थोड़े दिन में तो इसकी प्रसिद्धि हो गई, वो बहुत खुश रहे, तो हंसें, कहें हो देखो काल के बनिया आज के सेठ, हो देखो काल के बनिया आज के सेठ। अब कल तो मैं उनके पीछे पीछे चलता था, अब आज वो मुझे ज्ञान में सेठ रूप में माने, लेकिन वो खुश रहे, उससे खुश होकर के कहें। तो उन्होंने ये सूत्र दिया था मुझे बचपन में कि किसी तरफ हम चलें, चलते रहें तो भी भोजन मिलेगा, क्यों रो रहे हो? घर बनाए हो, काम करते हो, संग्रह है, आमदनी है, क्यों रो रहे हो? गुजर बसर होगा, चिंता मत करो, आत्मा का कल्याण का काम करो, वो नहीं कर रहे हो। पाने की इच्छा नहीं, खोने की इच्छा करो। खो देना है सब, ये शरीर खो जाएगा और कुछ नहीं रहेगा, लेकिन आप अपने को नहीं खो सकते हैं। आत्मा को हम खो नहीं सकते हैं और उसी का विस्मरण किए रहते हैं, और देह संबंधित समस्त वस्तुएं बिछुड़ जाने वाली हैं, और उसी की याद में हम पछते रहते हैं, उसी की मोह माया में पछते रहते हैं। गाढ़ी नींद में अपना माना हुआ शरीर भूला रहता है और पूरी दुनिया भूली रहती है, लेकिन आत्मा उस समय भी सबका भाव करने वाला शेष रहता है। जागृत अवस्था में हमारा ज्ञान भावात्मक रहता है, स्वप्न अवस्था में आभासात्मक रहता है, सुषुप्ति अवस्था में अभावात्मक रहता है। तीनों अवस्था में आप ज्ञाता हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। जागृत अवस्था में आपका ज्ञान भावात्मक है, भाव कहते हैं सत्ता को, जैसे सत्ता है, समाज बैठा है, ये भावात्मक ज्ञान है। जब हम सोएंगे और अर्ध निद्रा में रहेंगे तो स्वप्न देखेंगे, स्वप्न आभासात्मक ज्ञान है। वहाँ मकान है, जमीन है, समाज है, ट्रेन है, बर्फ है, रेगिस्तान है, नदी है, समुद्र है, लेकिन है कुछ नहीं।
केवल आभास है। सपना में ये सब कुछ नहीं है, केवल आभास है, वहाँ आभासात्मक ज्ञान होता है। लेकिन ज्ञाता आप हैं, जब गाढ़ी नींद में पहुँच गए तब अभावात्मक ज्ञान होता है। जाग करके कहते हैं मैं कुछ नहीं जाना, लेकिन कुछ नहीं को कौन जाना, मैं वहाँ ज्ञाता था, और जाग करके कहता हूँ कुछ नहीं जाना और सुख से सोया, सुख से सोने का अनुभव जिसको है वो आत्मा को है। आत्मा तीनों अवस्थाओं में ज्ञाता है, वो आप हैं परम सत, उसको समझो और उसमें ठहरो। जय खोजत कल्पों गया घट ही माहि सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते परि गई दूर। जिसको खोजते कल्पों बीत गए, वह मूल तत्व आपके घट में है, शरीर में है। शरीर में कहने का अर्थ है क्योंकि आत्मा शरीर ही में तो है, देहोपाद से कहा जाता है शरीर में है, वैसे वह अशरीरी है, शरीर से अतीत है। तो आपका आत्मा आपसे कभी अलग नहीं होता है, परम प्रीतम आत्मा है। अब आत्मा को हम भूले, देह गेह बाहरी चीज़ों में चिपके हैं, प्रत्यक्ष में सब जीव डूबे हैं और दुखी हैं, क्लांत हैं, पीड़ित हैं। कुछ लोग परोक्ष में परमात्मा और मोक्ष खोजते हैं, वो भी चाहे जहाँ खोज जाओ कहीं कुछ नहीं मिलेगा। फरीद बाबा ने कहा है, सूफी संत थे, कि जंगल में तुम जरूर चले जाओ भगवान खोजने, कांटे जरूर चुभेंगे, भगवान नहीं मिलेगा। भगवान तो अपने में है, राह हक हरगिज न आवी इत्ता न गिरी चार तर्क, तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क, ये सूफी संतों ने कहा। सही रास्ता तब तक नहीं मिल सकता है जब तक चार का त्याग न हो। तर्क दुनिया, तर्क नाम फारसी भाषा में तर्क का अर्थ होता है त्याग, दुनियादारी का त्याग, विषय वासना का त्याग, और तर्क उकबा, उकबा स्वर्ग, स्वर्ग की कामना का भी त्याग, और तर्क मौला, अलग से ईश्वर मिलता है इस भ्रम का भी त्याग। ध्यान दीजिए, आपका जो आध्यात्मिक ज्ञान है कबीर का या उपनिषदों का, मुस्लिम सूफी संत भी यही कहते हैं, तर्क मौला, अलग से जो मौला ईश्वर को पाने की लालसा उसका भी त्याग, और तर्क तर्क त्याग का भी त्याग, तीनों के त्याग के अहंकार का भी त्याग। हक बीनी इसे कहते हैं, हक सत्य, बीनी देखना, सत्य को देखना, सेल्फ सत्य, खुद सत्य, खुदा, खुद आ, खुद और आ, ये दो मिलकर के खुदा शब्द है जो फारसी भाषा का है। खुद नाम स्वयं, आ नाम स्वयंभू, यानी स्वयं सत्य है ये खुदा, घट घट में बैठा खुदा है, परमात्मा है, राम है, परम धन है, जिसको आप पाना चाहते हैं आप खुद हैं। ये बाहर की चकर मकर हमें भटका रहे हैं। संत गुरुजनों की शरण में जाओ, विनम्र बनो, सेवा परायण बनो, उनसे सीखो समझो, बुजुर्ग भक्त संत गुरु इनसे मिलो जो इस साधना में हैं और समझ में हैं, उनसे समझो, सेवा भक्ति करो, चित्त शुद्ध हो, स्वाध्याय करो इस लाइन का जिससे ज्ञान परिपुष्ट हो, और अभ्यास करो, संकल्पों का त्याग करो, ध्यानी बनो, चित्त की एकाग्रता करो, मन को समेटो, अंतर्मुख करो, तब आत्म साक्षात्कार होगा। हरि मिलता है, परमात्मा मिलता है, ब्रह्म मिलता है, ये कहने में द्वैत है, मिलता नहीं है, वो छूटा ही नहीं है। बाएं दहिने तजु विकारा निज के हरिपद गहिया, कहें कबीर गूंगे गुरखाया पूछे सो क्या कहिया। बाएं दहिने आगे पीछे सब तरफ के विकारों को छोड़ दो, निज के हरिपद गहिया, निजपद हरिपद है, ये आत्मा परमात्मा है। कहें कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे सो क्या कहिया। साहब कहते गूंगा गुड़ खाया, पूछा जाए तो क्या बताएगा, क्योंकि जवान नहीं है। परम शांति का अनुभव कोई क्या कहेगा,
पाना आपको कुछ नहीं है, जो कुछ आज तक पाए उसका मोह छोड़ देना है। परमात्मा आपका आत्मा है, आपका अस्तित्व है, अपने अस्तित्व को समझो, अपने महत्व को समझो। दुनिया के समस्त आध्यात्मिक चिंतक एक स्वर से इसको स्वीकारते हैं। वेद जब मुझे लिखना हुआ, वेद क्या कहते हैं, तो उस पर ज़्यादा मनन चिंतन किया। यास्क मुनि आज से 2800 वर्ष पूर्व हुए हैं, जो वेदों के वचनों पर निरुक्त लिखा है, ऋग्वेद के मंत्रों को उठा के रखा उस और उस पर भाष्य लिखा है और उदाहरण दिया है, पुराने निरुक्तकारों का उदाहरण दिया है, तो कहा है कि यह अर्थ ऐतिहासिकों का है, यह अर्थ याज्ञिकों का है, यह अर्थ वैयाकरणों का है और यह अर्थ आत्मवादियों का। जो आत्मवादियों का उन्होंने अर्थ दिया है वो बिल्कुल हम सरीखा है, हम लोग जैसे कहते हैं। इसीलिए पारक सदा से है, पारखी सदा से हैं, विवेकी सदा से हैं। जिसने सब कुछ जाना और जान करके सारा मोह छोड़ दिया, वो अपने आप में लीन हो गया, आत्मलीन हो गया। आत्मलीन परमात्मलीन है, आत्मलीन ब्रह्मलीन है। जो आत्मा में स्थित हुआ वही असली स्वर्ग को पाया, वही ब्रह्मलोक को पाया। याज्ञवल्क ने जनक को समझाते हुए कहा है, अय जनक, मैंने तुमको ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया, तत्स्वयम आत्मायम लोक है, आत्मा ही उसका ब्रह्मलोक है। एतमेव लोकमभिप्सन्तः प्रवाजिनः प्रवजन्ति। इसलिए उस आत्मलोक को प्राप्त करने के लिए कितने लोग घर बार छोड़ देते हैं और प्रवर्जित हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं। उस ब्रह्मलोक में मैं तेरे को पहुंचा दिया, ये आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही प्रियतम है। सद्गुरु कबीर का उपदेश यही है और इसीलिए कबीर साहब ने कहा, समझे की गति एक है जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। जितने समझदार हैं सबकी गति एक है, ये बीच के लोग और की ओर बकवास करते हैं। ज्ञानी जितने हुए हैं पहुँचे हुए, उनमें विवाद नहीं है। इसको गंभीरता से समझने की चेष्टा करनी चाहिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और जो मैंने विषय कहा, प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष पर कहा, उस पर ध्यान दे लीजिए। अंत में प्रत्यक्ष इंद्रियों का विषय है, जो इंद्रियों से जाना जाए वो प्रत्यक्ष है। जो दुनियादारी की चीज़ें हैं, दुनियादारी व्यवहार भी करना है, खाना पीना गुजर बसर करना है तो काम धाम करना ठीक है, संग्रह परिग्रह और वितरण और सेवा ये सब ठीक है, लेकिन इनमें सुख नहीं मिलेगा, भटकाव मिलेगा। सावधान रहो, मोह न करो। परोक्ष अलग ईश्वर खोजना, अलग मोक्ष खोजना है, इसमें थोड़ा संतोष मिलता है लेकिन प्रगाढ़ संतोष नहीं मिलेगा। जब अपरोक्ष बोध होगा, इंद्रियां भी शांत और मन भी शांत, तब अपने आप में साधक लौटेगा और कृतार्थ होगा। इसलिए इंद्री मन से जो परे तत्व है, वो परे तत्व कोई बाहर नहीं है, वो आपका अस्तित्व है, आपका आत्मा है। इसको ठीक ढंग से सत्संग साधना से समझने का प्रयास करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लूट सके तो लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पछतावे होत क्या जब प्राण जाएंगे छूट। कहे कबीरा लूट ले, राम नाम भंडार, काल कंठ जब गहेगा रोके दश हूँ द्वार। कबीरा निर्भय राम जप, जब लग दीवे बाती, तेल घटे बाती बुझे
तब सोओगे दिन रात, तब सोगे दिन रात। राम को भूल, दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल। चाही गई सफेदी आई, चाही गई सफेदी आई, चलना है बड़ी दूर, चलना है बड़ी दूर, डार पात में तुम ही रंगीले, डार में तुम ही रंगीले, सब फूलन में फूल, साधो दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल। हुजूर नहीं दूर बिराजे, हरी हुजूर नहीं दूर बिराजे, दिल की दुर्मति मूल, हरी हुजूर नहीं दूर बिराजे, दिल की दुर्मति मूल, गोपी चंद भर थरी राजा, गोपी चंद भर थरी राजा, सिर पर डारे धूल, साधो दिल से न राम को, साधो दिल से न राम को, दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल। Thank you.
शेख शहीद कुआं में लटके, शेख शहीद कुआं में लटके, गिर भय चकनाचूर, गिर भय चकनाचूर। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि का चरण मत भूल साधो, दिल से न राम को भूल साधो, दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल साधो, दिल से न राम को भूल साधो, दिल से न राम को भूल साधो, दिल से न राम को भूल साधो।